हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ इस शैम्पू के बारे में। तो ये एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, मीरा एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। और जैसे ही मैं बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू का रिव्यू करती हूँ, क्योंकि मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है और उसको टाइम पर ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो मुझे चेहरे पर दाने आने लगते हैं। तो टाइम पर मैं अपनी डैंड्रफ को ट्रीट करती ही करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इस शैम्पू को भी ट्राई करके देखते हैं। ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है जो कि मिलके बना हुआ है स्मॉल अनियन और फेनिग्रीक से। तो आज इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने इसके बारे में सुना है मीरा शैम्पू तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये शैम्पू मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। इसके पहले इनका एक हेयर ग्रोथ हर्बल वॉश, हर्बल हेयर वॉश पाउडर आता है, वो यूज़ कर चुकी हूँ। मुझे पसंद आया था वो। तो इनके भी ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है, शाइनी हेयर का शैम्पू आता है, स्ट्रॉन्ग हेयर का शैम्पू आता है। तो काफ़ी सारे इनके भी शैम्पू आते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो आज की वीडियो में इसके बारे में ही बात करने वाली हूँ। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो ये है मीरा शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जो कि मिलके बना हुआ है स्मॉल अनियन और फेनिग्रीक से। अब स्मॉल अनियन और फेनिग्रीक के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कितने अच्छे होते हैं बालों को हेल्दी बनाने में, डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ये जो शैम्पू है सिर्फ एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही नहीं है, सिर्फ आपको डैंड्रफ से ही छुटकारा नहीं दिलाएगा, ये क्लेम करता है बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्मूथ बनाएगा और हेल्दी हेयर प्रोवाइड करेगा। ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है, दो या तीन साइज़ आते हैं। सबसे छोटा पैक है जो कि 68 रुपीस का आता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगा। ये शैम्पू क्लेम नहीं करता है कि ये पैराबेन सल्फेट फ्री है, इसमें सब कुछ है। और तो अगर आप कोई केमिकल फ्री शैम्पू चाहते हैं तब ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें नेचुरल चीज़ें हैं पर साथ में केमिकल्स भी हैं। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा तीखी है, बहुत ही ज़्यादा तीखी है। जिनको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम होती है तो उनको ये बहुत ही ज़्यादा तीखी लगेगी इसकी फ्रेग्रेंस। और पर जब आप हेयर वॉश करेंगे उसके थोड़ी देर बाद ये चली जाएगी, पर जब आप करते हो हेयर वॉश तब आपको बहुत ज़्यादा तीखी तीखी फ्रेग्रेंस आपको आएगी, अच्छी नहीं है इसकी फ्रेग्रेंस। और इस शैम्पू को आप ऑयलिंग करके यूज़ करो, इसके बाद कंडीशनर लगाना ही पड़ेगा, सीरम लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाएगी बालों में। जैसे कि मैंने इसको यूज़ किया और मैंने कंडीशनर तो यूज़ किया, सीरम वगैरह यूज़ नहीं किया है, तो देखिए कितनी ड्राइनेस है। तो ये स्कैल्प को बहुत अच्छे से साफ़ करता है, बहुत अच्छे से क्लीन करेगा स्कैल्प को, जो भी ऑयल है उसको अच्छे से निकालेगा। डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है, जिस दिन हेयर वॉश करोगे इससे उस दिन आपकी डैंड्रफ बिल्कुल चली जाएगी, ईचिंग भी नहीं होगी, पर 3-4 दिन बाद फिर डैंड्रफ आ जाएगी। मेरे साथ तो यही हुआ। तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, पर जिस दिन आप इसको यूज़ करेंगे उस दिन आपके बालों में डैंड्रफ नहीं रहेगी, ईचिंग आपको नहीं होगी, स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करेगा। बस प्रॉब्लम यह है कि बालों बहुत ज़्यादा ड्राई बना देता है और फ्रिजी बना देता है, मैनेजेबल नहीं रहते हैं इसको यूज़ करने के बाद बाल। और ऑयलिंग करके यूज़ करोगे आप, अच्छा कंडीशनर और सीरम यूज़ करोगे तो हो सकता है थोड़े मैनेजेबल रहें। और जिनके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रिजी हेयर हैं, रफ हेयर हैं, वो इसको यूज़ नहीं करें, नहीं तो और ज़्यादा ड्राइनेस फ्रिजीनेस आ जाएगी बालों में। मेरे भी बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, तो हो सकता है इसी कारण इसको यूज़ करने से और ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ गई हो, पर स्कैल्प अच्छे से साफ़ हुआ, क्लीन हुआ और ईचिंग बिल्कुल नहीं होगी। जो भी डैंड्रफ के कारण ईचिंग थी वो चली जाती है, पर 5-6 दिन बाद फिर से मेरे बालों में डैंड्रफ वापस आ गई इसको यूज़ करने के बाद। तो ये कुछ ऐसा काम करता है। बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर चुकी हूँ और जिनको यूज़ करने के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक डैंड्रफ फिर से नहीं आती है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर हुआ, वो मुझे बहुत सूट करता है। उसको यूज़ करने के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक फिर से डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती है, पर इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ है, आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो। और ऑयली स्कैल्प रहता है आपका, ऑयली हेयर रहते हैं, तब बिल्कुल आप इसको यूज़ करो। ड्राइनेस है बालों में, रफनेस है, तो बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करना, ये और ड्राइनेस
दे देगा आपके बालों में और आपको फिर आपके बाल और ज़्यादा रफ हो जाएंगे, तो इसको यूज़ नहीं करना। एक बार ट्राई कर सकते हो, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल करना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे इसको यूज़ करने के बाद, पर एक बार ट्राई करना चाहो तो छोटा पैक ट्राई कर लेना। और आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और कोई आपकी क्वेरी हो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।